हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। केसी त्यागी साहब जी, जी रूबिका जी, आपने सुना सर, आपने जी सुना रूबिका जी कहा कि नहीं, आप आपके साथी के साथ तो हैं, सुना, लेकिन लेकिन नीतीश जी के साथ नहीं है। गजब हाल है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दो दिन पहले कह करके आएंगे, कुछ लोग जो हैं मेरे नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट पैदा करने का काम कर रहे हैं। अमित शाह जी ने कहा कि श्री चिराग पासवान ज्यादा सीटें चाहते थे, उतनी नहीं कहा प्रधानमंत्री ने। मैं बीच में क्यों बोल रही हूँ, प्रधानमंत्री ने आपकी बीमारी है, आपकी दो नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ बाद में, पूरा भाषण इनसे बाद में इनको बोलिए, इनका माइक ऑन ऑफ कर दीजिए, सबके पास उपलब्ध है। जो केसी कह रहे हैं वैसा नहीं कहा। शिवानंद जी, आपकी बारी में, आपकी बारी में, मुझे लगा ठीक है ना, तो आप बाद में बोल लेना। हमने लाइव सुना प्रधानमंत्री जी का भाषण, मैं अपनी बात रखती हूं, मैंने लाइव सुना है प्रधानमंत्री जी का भाषण। आप अपनी बात रखिएगा, केसी का जो दावा है वो गलत है। पहले अपनी बात रख ले, मैं उसके बाद आपको मौका दूंगी, ठीक है त्यागी साहब। अरे तो भाई गलत क्यों बोल रहे हैं, गलत क्यों बोल रहे हैं, सच बोले, किसी हमारे साथी हैं, गलत बोलूंगा बाद में, ठीक करते रहना आप। शिवानंद जी, जो भी पूछे आपको गलत लगेगा, जब आपको मौका मिलेगा, जब आप बोल रहे थे के बारे में भारत प्रभाव, मैं तो नहीं बोला, आदमी का नाम लेने से करोड़ों अल्पसंख्यकों के मन में भय व्याप्त हो जाता है, आज उसके चरणों में माथा टेक। रुदिका जी, मुझको हटा दीजिए, फिर आप इनको बुलवा लीजिए। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, शिवानंद जी रुक जाइए, इन्हीं का एक घंटे का भाषण करा लीजिए ना। बोलो, बोलो सर, आप लोग वरिष्ठ नेता हैं, आप लोगों के साथ डिबेट करने का एक अलग ही आनंद होता है, कम ऐसा मौका होता है जब आप तमाम लोग डिबेट में या पैनल में शामिल होते हैं। शिवानंद जी बस एक सेकंड, हाँ पहले केसी त्यागी अपनी बात रख ले, फिर आप रखिएगा। ये दोस्तों के बीच में नोक झोंक है, कोई बात नहीं है। शिवानंद तिवारी जी की कोर्ट में जो याचिका थी उसके बाद ही चार, रूबिका जी शिवानंद तिवारी जी की याचिका जो कोर्ट में दायर हुई थी उसी पर लालू प्रसाद जी पर मुकदमा दर्ज हुआ था, आपकी जानकारी के लिए, नंबर एक। नंबर दो, नड्डा जी कह करके आए हैं, अमित शाह जी ने वक्तव्य दिया है। रूबिका जी, आप हमें हटा लीजिए प्लीज, हमारे पास की एक एक मिनट में जवाब देना है। चिराग की निंदा नहीं की है, बोलते नहीं, न प्रधानमंत्री ने चिराग की निंदा की है, मत कीजिए। आप चिराग के स्पोक्समैन हैं क्या? रुक जाइए, पहले अपनी बात, ऐसा गोल गोल बात घुमा के जी, पहले आधा घंटे इनका भाषण करा के बंद करा दीजिए, फिर हम बोलेंगे। शिवानंद जी, आप अच्छे से जानते हैं, मैं फिर बिल्कुल सम्मान के साथ कह रही हूँ, ये रैली संबोधन नहीं हो रहा है, ये तो डिबेट हो रहा है, तो मैं आपकी आवाज को थोड़ा कम कर रही हूँ ताकि केसी त्यागी साहब अपनी बात कह सके, फिर पूरा आपको 30 सेकंड दिया जाएगा उनको रिबटल करने के लिए। केसी त्यागी साहब नहीं बोलेंगे किसी को, टाइम स्टार्ट, हाँ ठीक है सर, ठीक है सर, हाँ त्यागी साहब। रूबिका जी, प्रधानमंत्री स्पष्ट तौर पे सासाराम में कह चुके हैं कि कुछ लोग मिसगाइड करने का काम कर रहे हैं। बिहार में एनडीए का मतलब है नीतीश कुमार के नेतृत्व में चार दल, जेडीयू, बीजेपी, हम और वीआईपी। इसी तरह का वक्तव्य दे चुके हैं श्री अमित शाह जी, जो इनके अभिभावक हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे अभिभावक हैं, उन्होंने कहा ज़्यादा सीटें मांग रहे थे, वो संभव नहीं हो पाया था, हमने उनको एनडीए से नहीं निकाला, वो एनडीए खुद ही छोड़ करके चले गए। नंबर तीन, जो पार्टी के अध्यक्ष हैं वो कह चुके हैं, बिहार पार्टी के अध्यक्ष जायसवाल जी ने कहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र भी और नाम भी इस्तेमाल करेगा उनकी हम चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे कि ये दुरुपयोग कर रहे। उसके बाद चिराग पासवान जी कह रहे हैं कि मैं तो हनुमान हूँ, तो आज तो दशहरा है ना, तो दशहरा का, रूबिका जी, दशहरा का ये संदेश है कि रामचंद्र जी का इशारा पाकर के हनुमान जी लंका में चले गए थे पूंछ में आग लगा करके जलाने के लिए। एक आधुनिक हनुमान है, एक कलयुगी हनुमान है, जो राम के कहने पर लंका के बजाय अयोध्या में आग लगाने पर लगा हुआ है, वो एनडीए को हराने पर लगा हुआ है,
वो कह रहे हैं मैं मोदी के साथ हूँ, मोदी नीतीश कुमार के साथ है। आपने वो कहते हैं मैं अब वो मेरे अभिभावक है सुशील अमित शाह जी, अमित शाह जी कह रहे हैं कि मेरा नेता नीतीश कुमार है बिहार में, जो उसका विरोध करता है वो बीजेपी का विरोध करता है, बीजेपी की सारी पार्टी के सारे नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार नेता है, संख्या कम हो या ज्यादा हो यही रहेगा, चुनाव से पहले हो चुनाव के बाद हो। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कोई संदेश, हाँ उन्होंने सबने ये संदेश जरूर दिया कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, लेकिन चिराग पासवान को लेकर कोई नेगेटिव बात तो किसी ने नहीं की है। इनफैक्ट चिराग पासवान का जिक्र तक नहीं किया, पीएम मोदी ने जिक्र किया तो उन्होंने कहा आखिरी सांस तक रामविलास पासवान हमारे साथ रहे, उनको मैं श्रद्धा और सुमन जो है अर्पित करता हूँ। लेकिन आपने हनुमान की तुलना की और वो भी कलयुगी हनुमान बताया जो अयोध्या में आग लगा रहा है।